अगर आप लोग भी सैमसंग के स्मार्टफोन को काफी ज्यादा पसंद करते हो और 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में सैमसंग का नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के टॉप 3 स्मार्टफोन की वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। 12,000 रुपीज से कम के प्राइस में अगर आप लोग भी सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो थर्ड नंबर पे आता है गैलेक्सी का M14 5G। गैलेक्सी के M14 5G को 11,490 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के M14 5G का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रंट और बैक का कैमरा सेटअप। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट और बैक दोनों से फुल HD वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ साथ गैलेक्सी के M14 5G का दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड। 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी के M14 5G का तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका प्रोसेसर। सैमसंग का एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4,05,000 के आसपास का अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में अगर देखा जाए तो गैलेक्सी के M14 5G में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग का बजट काफी ज्यादा कम है और 10,000 रुपए से कम के प्राइस सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो सेकंड नंबर पे आता है गैलेक्सी का F14 5G। गैलेक्सी के F14 5G को 9,990 रुपए की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। 10,000 रुपए से कम के प्राइस में गैलेक्सी के F14 5G में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला एडवांटेज इसका प्रोसेसर। सैमसंग का एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 10,000 रुपए से कम के प्राइस में भी आप लोगों को 4 लाख के आसपास का अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को गैलेक्सी के F14 5G में देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ गैलेक्सी के F14 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में बेटर हो जाता है, चार्जिंग स्पीड के मामले में बेटर होता है, बैटरी बैकअप के मामले में बेटर हो जाता है, वही ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में भी बेटर हो जाता है। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फोन के फ्रंट और बैक दोनों से फुल HD वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो गैलेक्सी का F14 5G वन ऑफ द बेस्ट है। सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसमें गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, बेस्ट क्वालिटी के डिस्प्ले के साथ साथ बिग बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए 15,000 से 16,000 रुपए के प्राइस में सैमसंग का ऐसा ही कोई स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो फर्स्ट नंबर पे आता है गैलेक्सी का M34 5G। गैलेक्सी के M34 5G को 15,999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के M34 5G में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला एडवांटेज इसका पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर। सैमसंग का एक्सिनोस 1280 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4,77,000 के आसपास का अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि 16,000 रुपए के प्राइस में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। एक अच्छे डिस्प्ले की क्वालिटी के साथ साथ गैलेक्सी के M34 5G का तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज इसका फ्रंट और बैक का कैमरा सेटअप।
बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। गैलेक्सी के M34 5G के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। फोन के फ्रंट से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी से एक मिनट की अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट है। 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि 16000 रुपए की प्राइस में गैलेक्सी के M34 5G वन ऑफ द बेस्ट है।